वार्निंग, अभी कोरोना के समय असम में और एक महामारी चल रहा है, वो है असम फ्लड। तो हर साल असम में बहुत सारे लोग इफेक्टेड होता है। असम फ्लड बहुत बुरी तरीके से असम के लोगों को मतलब हमला करता है। अभी तो वाटर लेवल थोड़ा सा घट चुका है, फिर भी लोगों का हाल एकदम बेहाल है। तो हम लोग मतलब हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, नेचर क्रिएशन असम बोल के, हम लोग मतलब हमारे भाई लोग उस ग्रुप से 21 जुलाई को एक फ्लड रिलीफ लाइव स्ट्रीम बोल के लाइव आए थे FB पर। तो वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि असम में तो अभी फ्लड चल रहा है, तो जो जितना हो सके उतना हमें डोनेट कीजिए। तो हम लोग फ्लड इफेक्टेड एरिया पर जाके हम लोग वो पैसा उन लोगों को देंगे, या फिर कुछ सामान खरीद के उन लोगों को पहुँचाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें हेल्प किया, बहुत सारा पैसा दिया भी लोगों ने। तो हम लोग आज मतलब 23 जुलाई को मतलब आज ही फ्लड इफेक्टेड एरिया पर जाके हम लोग कुछ चीज़ें उन लोगों को देने वाले हैं। तो उन लोगों ने हमें हेल्प किया मतलब डोनेट किया हमारे वीडियो देखकर, तो उन लोगों को दिल से शुक्रिया। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, इतने दिनों से कई बार घूमने भी नहीं गए और कोरोना भी चल रहा था। तो आज आप लोग आगे देखते रहिए कहाँ पर जाएंगे, वो डिसाइड हुआ है लेकिन आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी तो 8:15 हो चुका है, हम लोग 8:30 को निकलेंगे घर से और पैकिंग वगैरह हो गया सामान का, वो गाड़ी पे बिठाना है और उसको ले जाना है। तो आगे देखते रहिए। तो ये हमारा सामान रेडी है, नमक, ये डेटॉल साबुन, वो तेल और वो चीनी, ये सीरा है और ये। तो यहाँ पर सारा सामान सेट है। और भी कुछ सामान लेना बाकी है, वो पाठशाला में लेंगे सर, वहाँ पर लेके सीधा लोकेशन पर जाएंगे और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस गाड़ी पे जाने वाले हैं भाई लोग और मैं तो अपनी बाइक पे जाऊँगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर सामान वगैरह भेज दिया मतलब वो उस गाड़ी पर, और मैं और ये मादा भाई हम लोग बाइक पर जा रहे हैं अपने लोकेशन पर। और आज हम लोग जा रहे हैं कोलोगुरी, वहाँ पर फ्लड का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो वहाँ पर आज हम लोग हेल्प करेंगे जाके जो भी हो सके। तो जिस दुकान से हम लोगों ने सामान उठाया उस दुकान के मालिक ने भी हमें हेल्प किया, बहुत थोड़ा अमाउंट भी दिया। और वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने भी हमें हेल्प किया, तो काफ़ी अच्छा लगा, हेल्प मिला हमें, बहुत हेल्प मिला। तो सब लोगों को थैंक यू। तो और भी भाई लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं रास्ते में, तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और देखते रहिए आप लोग। तो अभी हम लोग बदन बुसी पर भाई लोगों का वेट कर रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं। और आज हमारा टारगेट है 30 लोगों को सामान देना मतलब हेल्प करना 30 फैमिलीज को। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग कोलोगुरी पहुंच चुके हैं
और वहाँ पर गांव है जहाँ पर बहुत फ्लड हुआ था। यह है गाड़ी और यह मेरा बाइक। अभी आगे जाएंगे हम लोग और कुछ भाई लोग आना बाकी है, वो लोग भी आ गए तो एक साथ चलेंगे। तो अभी हम सर भाई लोग गाँव के मुखिया मतलब कोल्लोगुड़ी के मुखिया के घर आए थे। उनका घर खटबर में है, तो यहाँ से हमने लीज ले ली। वहाँ पर हम लोग 10 या 10 या 12 लोगों को देने वाले हैं सीज, और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग कोल्लोगुड़ी पे है और यहाँ पर सब कुछ रेडी है और ये डोनेट करने वाले हैं ये सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। वहाँ पर यहाँ पर हम लोग 14 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सीधे और लोग भी आगे। तो अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और अभी यहाँ पर एक ऐसा लोग है जहाँ मतलब पूरी घर खराब हो गया, मतलब तो ये देखिए इस घर के ऊपर से पानी गया था, क्या बुरा कंडीशन है यहाँ का। तो लोग वहाँ से आकर यहाँ पर रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं। घर अभी तक ठीक नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये घर ठीक करके देंगे, लेकिन कब देंगे वो तो पता नहीं। तो यहाँ पर लोग लग रहे हैं, ये गांव के ही लोग हैं। और यहाँ देखिए कंडीशन, रास्ते का कंडीशन, साथ में तो सब कुछ ले गए। तो अभी सारे भाई लोग हैं यहाँ पर और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से गोविंदपारा जाने वाले हैं। वहाँ पर भी एक लोगों मतलब एक फैमिली का पूरा घर का नामो निशान ही नहीं है, ऐसा हुआ है हम लोगों ने सुना। तो वहाँ पर जाके थोड़ा हेल्प करने वाले हैं, तो यहाँ से चलते हैं। चलिए, तो अभी बहुत बारिश है तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और जब भी बारिश रुकेगा और हम लोग गोविंद बराबर कर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। वहाँ पर शायद 1 फैमिली को देंगे, थोड़ी देर पहले बोला ही किनको देना है, तो पूरी तरह से भीग गया हमने। और तो यहाँ का कंडीशन आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, ठीक कर रहे हैं रास्ता, तो कब तक ठीक होगा वो तो पता नहीं। लेकिन और हम लोग यहाँ पर एक फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब शायद वहाँ पर है घर, तो देखते हैं क्या होता है। কথা কথা
के बाद कॉल और जो नहीं बना तो पहले तो हम लोगों ने पोलो कोई में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद हम लोग वहीं पर में आ गए डिस्ट्रीब्यूट करने, लेकिन वहाँ पर कैमरा नहीं ले गया। बीच में बहुत पानी था तो वाटर लेवल काफ़ी बढ़ चुका था कॉल रास्ते में, तो मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ के गया। और वहाँ पर भी 14 फैमिलीज को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कल का दिन काफ़ी अच्छा गया और बहुत लोगों को थोड़ी बहुत मदद भी मिल गई, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा ये काम करके। और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थोड़ा पैसा और भी हमारे पास सेविंग्स है, तो हमारे लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा बहुत पैसा डोनेट किया लोगों ने, और हमारे दोस्तों ने भी बहुत हेल्प किया। हम लोगों ने कलेक्शन भी किया था थोड़ा बहुत। तो वीडियो के पहले मैं बताया था कि कोलोगुई में एक फैमिली का घर फ्लड ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, तो उस फैमिली का बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो जितना हो सके उन लोगों को हेल्प कीजिए, डोनेट कीजिए, उन लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और ये वीडियो बनाने का मतलब कोई दिखावा नहीं है, हमारे देश या समाज में अच्छा काम होना चाहिए, वो देख के ही सही अच्छे काम होते रहना चाहिए, तो यही हमारा प्रयास है। तो वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, बाय बाय। तो हम NCA टीम, नेशनल क्रिएशन आसाम टीम, और एक टीम यही बजाली एरिया के नज़दीक ही और हेल्प करने वाले हैं लोगों को, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो अगर कोई चाहे तो हमें डोनेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय।